एक सेकंड में इसको मिनिमाइज करूं। आप जाओ जीएसटी सर्विसेज, ठीक है, रिफंड, नहीं नहीं सॉरी यूजर सर्विस, हाँ बस यूजर 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 सर्विसेज, आप देखो राइट साइड में लिखा हो ना फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, दिख रहा है, हाँ इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये क्या हमारी लेटर, ये किसी ने स्पीकर खोल रखा, प्लीज बंद कर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, ठीक है। चलो जी इसको भरो प्रमोद, अब ये हमारा क्लाइंट है, सेलेक्ट करो पहले फाइनेंशियल ईयर, सेलेक्ट 21। एक तो एलयूटी किसके लिए होती है, एक साल के लिए होती है, हर 31 मार्च को एलयूटी आपके एक्सपायर हो जाएगी, आपको अगले साल दोबारा भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अभी 2021 की भर रहे हैं, तो ये कब तक वैलिड रहेगी, 31 मार्च 2021 तक, 21 के बाद एक्सपायर हो जाएगी, 1 अप्रैल को दोबारा भरनी पड़ेगी। नीचे करो तो सर ये क्वार्टरली भरते हैं कि अपन ईयरली भरते हैं? ईयरली बेटा, हर अप्रैल में भरनी है आपको। ओके सर, अप्रैल में भर दो, अगले साल के 31 मार्च तक वैलिड रहेगी। ये प्रीपेड प्लान जैसा है, है? ये प्रीपेड प्लान जैसा है क्या सर ये? हाँ मतलब एक साल के लिए हमें अलाउड कर दिया कि आप बिना टैक्स के माल भेज सकते हो। ओके सर, मतलब ऊपर से पढ़ो तो सही प्रमोद, क्या कर रहे हो ऊपर करो, पहले लाइन तो लाइन पढ़ो तभी तो मैं समझाऊंगा आपको। चलो पहली लाइन पढ़ो, देखो ये पहली लाइन पढ़ो जरा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पढ़ो सब, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। हाँ मतलब बिना आईजीएसटी के आप पे करोगे जब ये भर दोगे, ठीक है। यस सर, यस सर। आगे पढ़ो, देखो आई अंशु कुमार ठाकुर, यहाँ से पढ़ो, अंशु कुमार अगर इसमें बोल दी हैविंग गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर 0 हियर आफ्टर द कॉल्ड अंडरटेकिंग बेसिक गुड्स ये बोला कि भैया मैं ये सारी कंप्लायंस करूंगा, पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ए पॉइंट पढ़ो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन सब रूल विदेशी मुद्रा की वजह से तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना फ्री, और मान लो पैसा ही नहीं आए तो एक्सपोर्ट क्या, फिर फायदा क्या एक्सपोर्ट करके, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो जिस दिन आपने इनवॉइस काटा है उससे एक साल के अंदर पेमेंट आई जाए, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो पैसा आए वो बाहर की मुद्रा में आए, ऐसा नहीं प्रमोद यूएसए में बैठा हुआ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैंने प्रमोद को माल भेजा, प्रमोद ने कहा यार मेरा भाई ना दिल्ली में रहता है आप उससे पैसे ले लो, तो इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, पैसा फॉरेन करेंसी में ही आना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन एक साल के अंदर आना चाहिए, दूसरा फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, तीसरा जो सप्लाई कर रहा है उस पर 2.5 करोड़ से ज्यादा का कोई टैक्स रिविजन का केस ना चल रहा हो। तीनों चीजें मेरे को बताओ फिर क्या बोला मैंने। सर पहला पेमेंट एक साल के अंदर आना चाहिए, पेमेंट फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, हाँ, और तीसरा उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए, 2.5 करोड़ से ज्यादा का कोई टैक्स केस नहीं चलना चाहिए, तो वही बंदा एलयूटी भेज सकता है, समझिए। Yes, उसके अलावा बोला गया कि अगर आप ये तीन कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो तो फिर आपको ये एलयूटी वाली बेनिफिट, जीरो रेटेड बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आप क्या भेजो विद टैक्स, विद टैक्स। तो सेलेक्ट करो ये तीनों, प्रमोद सेलेक्ट करो, अब तीसरा सी वाला पॉइंट पढ़ो जरा, अगर आपने कंप्लायंस ये पूरा नहीं, मान लो एक साल में पेमेंट नहीं आई, तो जिस दिन आपने इनवॉइस काटा है उस दिन से आज तक का आपसे इंटरेस्ट और टैक्स दोनों लिया जाएगा 18% के हिसाब से, समझ गए? यस सर।
जैसे आज 15 जुलाई है ना, आज मैंने इनवॉइस कर दिया और 15 जुलाई 2021 तक पेमेंट नहीं आई, वो दे 15 जुलाई 2021 तक पेमेंट नहीं आई तो क्या होगा, वो क्या करेंगे उस दिन? सर इंटरेस्ट लगा देंगे और जीएसटी चार्ज कर देंगे। हाँ, जो इनवॉइस पे टैक्स लगेगा वो प्लस 18% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अब इसमें दो क्या भरने पड़ते हैं, विटनेस भरने पड़ते हैं। चलो एक मैं बन जाता हूँ, एक आप बन जाना। बन जाओगे, डरोगे तो नहीं? सर इसका वो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है एक्सपोर्ट के टाइम पे? जैसे ही आप अपने पास से इनवॉइस बना दोगे पोर्ट तक माल पहुंच जाएगा आपका, वही हो जाएगा। चलो जी भरो प्रमोद। छोड़ दो, ऑक्यूपेशन मत भरो। हाँ पुष्पेंद्र, गुड मॉर्निंग। 16 16 16 नंबर चूज करो। कोई बात नहीं, 16 नंबर चूज करो। चलो भरो, नीचे नीचे करो। नेम ऑथराइज अंशु कुमार ठाकुर और दिल्ली। सेव करो, सेव 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 सेव। नीचे जाओ, नीचे साइन भी दे दी। हाँ दोबारा एक बार सेलेक्ट करो। करो करो, वेरीफाई करो। नीचे करो, डाउनलोड करो। चल ओपन करो इसको। रुको, अब रुको रुको, ये क्या हमारी, पढ़ो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फॉर एलयूटी। ये एआरएन नंबर है, ठीक है ना? अब आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर विदाउट सकते हो विदाउट पेमेंट जीरो ऑफ रेट पे। जीरो, ठीक है ना? यस इसको सर। सेव कर लेते हैं। सर इसका कुछ सर्टिफिकेट आता है क्या? ये एआरएन नंबर ही आ गया, ये बाकी आपके मेल पे आ जाएगा। ओके सर। सर लास्ट में बस ओटीपी डालने से वो आ जाता है। हाँ ठीक है सर। अभी हमने क्या सीखा? एलयूटी वाला, एलयूटी।
ठीक है, एलओटी हमारा जनरेट हो गया। यस सर।